हेलो गाइस, मैं हूं गुरबाज और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चैनल। कुछ और इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कुछ कमेंट्स की। बहुत सारे प्यारे प्यारे हमारे यूज़र्स ने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, तो उन्हीं कमेंट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ज़्यादातर जो कमेंट आते हैं उन्हीं का आंसर हम देने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, वीडियो करते हैं शुरू। और सबसे पहला ज़्यादातर जो कमेंट आ रहा है वो आ रहा है D2H यूज़र्स का, क्योंकि सिद्धार्थ ग्रुप के जहाँ D2H पर अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, लेकिन काफ़ी सारे यूजर्स मैसेज कर रहे हैं कि कुछ D2H पर सिद्धार्थ ग्रुप के चैनल चल रहे हैं, वही चैनल नंबर जो डिश टीवी का है। तो गाइज, वो सिर्फ उसी D2H पर सिद्धार्थ ग्रुप के चैनल चल रहा है जिनका सेटेलाइट SES-8 सेटेलाइट पे सेट हुआ है डिश एंटीना जिसका। तो जो D2H जो है SES-8 सेटेलाइट पे सेट है, जो सेटेलाइट डिश टीवी और जिंक सुपर FTA बॉक्स पर जो दिखा रहा है सिद्धार्थ ग्रुप के चैनल, वही अगर D2H सेट है तो वहाँ पे आप लोग फिलहाल अभी सिद्धार्थ ग्रुप के चैनल देख सकते हैं। अगर वैसे बात करें तो अभी फिलहाल D2H पर सिद्धार्थ ग्रुप के चैनल उपलब्ध नहीं है और थोड़ा समय डिले कर दिया गया है, सो जल्द ही मिलेंगे, लेकिन कुछ और वेट करना पड़ेगा आपको। बाकी ज़्यादातर कमेंट आता है अगला डिश टीवी पर जो है स्पोर्ट्स 18+ चैनल कब लॉन्च होगा, तो अभी आपको और वेट करना पड़ेगा स्पोर्ट्स 18+ चैनल डिश टीवी पर देखने के लिए। अभी फिलहाल आप लोगों को नहीं देखने वाला है। इसी के साथ जय जगन्नाथ चैनल सन DTH पे कब आएगा, तो जय जगन्नाथ चैनल सन DTH पर थोड़ा डिले कर दिया गया है, अब आपको और वेट करना पड़ेगा। फिलहाल अभी चैनल जो है डिश टीवी पर आपको मिल जाएगा, जिंक सुपर FTA बॉक्स पर मिल जाएगा, और जो जल्दी इसको सन DTH पर भी ऐड किया जाना था लेकिन थोड़ा सा इसको डिले कर दिया गया है, सो थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। सन DTH पर भी आपको ये चैनल देखने को मिलने वाला है।